डेट ये है कि एक केस में मौत भी हो चुकी है। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं। जयपुर से बड़ी खबर आ रही है, विधानसभा का घेराव, किसान कर सकते हैं गंग नहर के पुनर्निर्माण की मांग को लेकर किसान लामबंद नजर आ रहे हैं। आज बड़ी संख्या में किसान विधानसभा का घेराव कर सकते हैं। श्री गंगानगर के किसान शहीद स्मारक पर इकट्ठा होंगे, शहीद स्मारक से विधानसभा घेराव के लिए कूच करेंगे। पंजाब के फिरोजपुर फीडर से पानी दिलवाने की मांग की जा रही है। पौंग डैम को क्षमता के मुताबिक पूरा भरने की मांग, और मांग की अनदेखी करने पर मोर्चा खोल सकते हैं किसान। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं किसानों से जुड़ी हुई। विधानसभा का माना जा रहा आज घेराव कर सकते हैं, आज विधानसभा का सत्र होगा और ऐसे में यहां पर किसानों की कोशिश है घेराव करने की। हालांकि देखना होगा कि क्या वो विधानसभा तक पहुंच पाएंगे या नहीं। अपनी मांगों को लेकर किसान मोर्चा खोले हुए हैं। और इस बीच दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है, मयूर विहार फेज टू में भीषण आग लग गई है। यूनिफॉर्म बनाने वाली दुकान में यह आग लगी है। फायर ब्रिगेड की टीम आग बुझाने में जुटी हुई है। तस्वीरें भी कुछ ही देर में आपको दिखाएंगे। मयूर विहार दिल्ली की खबर, जहां पर फेज टू में भीषण आग लगने की जानकारी मिल रही है। यूनिफॉर्म बनाने वाली दुकान में भीषण आग लगी। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची हैं, आग को बुझाने की कोशिश टीम कर रही है। तस्वीरें आपके सामने, ये यूनिफॉर्म बनाने वाली दुकान है जहां पर आग लगने की जानकारी मिल रही है। ये आप देख सकते हैं कि कई मंजिल ये बिल्डिंग नजर आ रही है, जिसमें कि ऊपरी मंजिल पर आग लगी हुई है। लगातार कोशिशें हैं सबसे पहले आग पर काबू पाने की, लेकिन ये बड़ा आर्थिक नुकसान यहां पर जाहिर तौर पर दुकान मालिक को हुआ है। फेज टू मयूर विहार, जहां पर यूनिफॉर्म की दुकान में आग लग गई। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सेना ने घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया है। केरन सेक्टर में सेना ने घुसपैठ की कोशिश को नाकाम करते हुए 3 आतंकियों को मार गिराया है। मारे गए आतंकियों से सेना ने हथियार भी बरामद किए हैं। सेना की तरफ से बयान भी सामने आया है, जिसमें बताया गया कि अभी भी इलाके में ऑपरेशन चल रहा है। ये आपको हम दिखा रहे हैं जानकारी जो यहां पर पोस्ट करके जम्मू कश्मीर से सामने आई। सेना की तरफ से ये जानकारी दी गई है, जिसमें बताया गया है कि सर्च ऑपरेशन अभी भी कुपवाड़ा सेक्टर में चल रहा है। केरन ये सेक्टर है जहां पर कुपवाड़ा में आतंकियों को मार गिराया गया। रविवार को आतंकी जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सीमा पार से घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे। सेना ने आतंकियों की घुसपैठ की इस कोशिश को नाकाम कर दिया और केरन सेक्टर में 3 आतंकियों को मार गिराया। मारे गए आतंकियों से सुरक्षा बल ने बड़ी मात्रा में हथियार भी बरामद किए। सेना ने आतंकियों से मुठभेड़ के बाद इस ऑपरेशन के बारे में जानकारी भी दी। सेना के चिनार कॉर्प्स ने सोशल मीडिया एक्स पर इसकी जानकारी भी दी और बताया कि केरन सेक्टर में ऑपरेशन धनुष 2 के तहत 3 आतंकियों को मार गिराया गया है। सेना की तरफ से बयान जारी करके बताया गया है कि आतंकियों से हथियार और युद्ध के सामान बरामद हुए हैं। पाकिस्तान और उसकी खुफिया एजेंसियां लगातार इस ताक में रहती हैं कि घाटी में हालात सामान्य न हो, और इसी वजह से वो सीमा पार से आतंकियों की घुसपैठ करवाती है। हालांकि भारतीय सेना और सुरक्षा बल उनकी हर कोशिश का मुंह तोड़ जवाब दे रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से इतिहास रच दिया है। उनके नाम एक और उपलब्धि दर्ज हुई है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पीएम मोदी के 100 मिलियन यानी कि 10 करोड़ से ज्यादा के फॉलोअर्स हो गए हैं। इसके साथ ही वो सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले ग्लोबल लीडर बन गए। इस उपलब्धि पर पीएम ने खुशी जाहिर की है। साथ ही पीएम मोदी को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री एस जयशंकर और जेपी नड्डा ने दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता बनने पर बधाई दी है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक नाम और कीर्तिमान स्थापित हो गया है। बड़ी उपलब्धि उनके नाम दर्ज हुई है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पीएम मोदी के 100 मिलियन यानी कि आप समझ लीजिए 10 करोड़ से ज्यादा के फॉलोअर्स हो गए। गुजरात में चांदीपुरा नाम से एक नए वायरस से 2 दिन के अंदर 5 बच्चों की मौत हो गई है। ये वायरस गुजरात के साबरकांठा और अरावली जिले में मिले हैं, जिसके बाद बच्चों में मिले वायरस के सैंपल पुणे भेज दिए गए हैं। वहीं इस बात के अब सामने आने के बाद लोगों के बीच हड़कंप मचा हुआ है।
कोरोना के बाद गुजरात में नए वायरस की एंट्री से हड़कंप मच गया। चांदीपुरा नाम के इस नए वायरस से गुजरात में दो दिन में 5 बच्चों की जान चली गई। बच्चों की मौत साबरकांठा सिविल अस्पताल में हुई। ये वायरस गुजरात के साबरकांठा और अरावली जिलों में पाए गए हैं। नए वायरस के मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग एक्टिव हो गया है और बच्चों में मिले सैंपल की जाँच के लिए पुणे के लैब में भेजे गए हैं। बताया गया कि इस वायरस से संक्रमित बच्चों के दिमाग में सूजन पाई गई है। फिलहाल बच्चों पर इस वायरस ने कैसे असर दिखाया, इसके लिए बच्चों में मिले वायरस के 6 सैंपल पुणे भेजे गए हैं। बताया जा रहा है कि इस वायरस की रोकथाम के लिए स्वास्थ्य विभाग ने बैठक भी की है और अब पुणे भेजे गए सैंपल के रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। वहीं साबरकांठा और अरावली जिले में इस वायरस को लेकर सर्वे भी किया जा रहा है। इस बीच पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में ट्रेन की कार से टक्कर हो गई। खरदार रेलवे स्टेशन पर हजार दुआरी एक्सप्रेस से दो कार से टकरा गई। इस हादसे में कार में सवार लोग बाल बाल बच गए। चश्मदीदों के मुताबिक रेलवे क्रॉसिंग का फाटक बंद होते समय ये दो कार सवार थे, इसे रेलवे लाइन की तरफ बढ़ गए। इस दौरान दोनों कार रेलवे लाइन और फाटक के बीच में फंस गई, जिसके बाद ट्रेन आ गई और दोनों कारों को टक्कर मारते हुए आगे निकल गई। देश के कई राज्यों में इस समय नदियां उफान पर हैं, वहीं पहाड़ी राज्यों में भारी बारिश से जमीन खिसकने से हड़कंप मचा हुआ है। यानी देश के कई हिस्सों में मानसून कहर बनकर टूट रहा है। मानसून से जुड़ी बड़ी खबर यह कि उत्तर प्रदेश में भारी बारिश के बाद कई जगहों पर बाढ़ जैसे हालात बन चुके हैं। तो वही दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में 5 से 6 दिन भारी बारिश की चेतावनी मौसम विभाग ने दी है, जबकि उत्तराखंड जैसे पहाड़ी राज्यों में भारी बारिश के चलते लैंडस्लाइड का खतरा मंडरा रहा है। मौसम से जुड़ा बड़ा अपडेट दे दें, मौसम विभाग का बड़ा अलर्ट सामने आया है। प्रदेश के 30 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। मेघ गर्जन के साथ बारिश हो सकती है, कुछ इलाकों में भी भारी बारिश की संभावना जताई जा रही है। तो लगातार बारिश का दौर राजस्थान में भी चल रहा है। एक बार फिर मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट आया है, 30 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। यानी कि मेघ गर्जन के साथ बारिश हो सकती है, साथ ही कुछ इलाकों में भारी बारिश की भी संभावना जताई गई है। तो मौसम विभाग ने बड़ा अपडेट, मौसम से जुड़ा हुआ अलर्ट जारी करते हुए बताया है कि 30 जिले राजस्थान के जहां पर मेघ गर्जन यानी कि बादल गरजेंगे और इसके साथ ही बारिश होगी, साथ ही कुछ इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी जाहिर की गई है। आपने दर्शकों को बता दें कि लगातार मॉनसून एक्टिव है राजस्थान के अंदर। ये तस्वीरें आपको अलग अलग जगह की दिखा रहे हैं। टोंक की तस्वीर है, जहां पर देखिए किस तरीके से वाहन भी बहते हुए नजर आए, नदी नाले उफान पर है और ऐसे में शहर भर में पानी भरा हुआ है। हरिद्वार में एक बड़े हादसे की जानकारी मिली है। उत्तर प्रदेश परिवहन की बस बेकाबू होकर पुल से नीचे गिर गई। मुरादाबाद डिपो की इस बस में 40 यात्री सवार थे। इस हादसे में कई यात्रियों को गंभीर चोटें आई, जबकि हादसे के बाद लोगों ने बस के दरवाजे और खिड़कियों से कूद कर अपनी जान बचाई। तो यूपी से बिहार तक बाढ़ बारिश ने भारी आफत पैदा कर दी है। सैकड़ों एकड़ जमीन पानी में डूब गई है, कई शहरों में सड़कें तालाब बन गई हैं। बिहार में तो बाढ़ की मार से कई सड़कें देखते ही देखते बह गई। वहीं उत्तराखंड में भारी बारिश के बाद लैंडस्लाइड का खतरा मंडरा रहा है। मध्य प्रदेश में शिप्रा नदी कहर बनकर बरप रही है। मध्य प्रदेश में भोपाल समेत 15 से ज्यादा जिलों में तेज बारिश हुई। इसके साथ ही गुजरात और पश्चिम बंगाल में हाल बुरा है। गुजरात के कई जिलों में भारी बारिश के अलर्ट के साथ साथ बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। वहीं पश्चिम बंगाल में भी कई जिलों में बाढ़ का प्रकोप है। आपको लिए चलते हैं यूपी के लखीमपुर खीरी, जहां पर बाढ़ से हाल बेहाल हो गया है। लखीमपुर खीरी के कई गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। तो वहीं सैलाब की चपेट में गांव के रास्ते भी हैं। सड़क पर 4 से 5 फीट तक पानी भरा हुआ है। गांव में नाव चल रही हैं। इस बीच बाढ़ की चपेट में आकर कुछ पुल भी टूटते हुए नजर आए। पानी भरने से ग्रामीण के कच्चे घर ढह गए, साथ ही बड़ी संख्या में ग्रामीण बेघर हो गए हैं।
घरों में बाढ़ का पानी होने और कच्चे घर गिरने से कुछ परिवार हाईवे के किनारे त्रिपाल के सहारे जीवन काटने को मजबूर है। मैदानी इलाके में बाढ़ ने कोराम तो बचाया ही है, तो वहीं पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइड से हड़कंप मचा हुआ है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में भी बारिश की वजह से हाहाकार मचा हुआ है। बारिश की वजह से आई बाढ़ में धारचूला तहसील में तीजम और वतन को जोड़ने वाला कच्चा पुल बह गया, जिसके बाद लोगों को अपनी जिंदगी दांव पर लगाकर आवाजाही करने के लिए देखिए किस तरीके से मजबूर होना पड़ रहा है। इस इलाके में 18 परिवार रहते हैं। पुल बहने के बाद ये लोग अपनी जरूरत का सामान रस्सी के सहारे आर पार पुल करते हुए नजर आ रहे हैं। तेज नदी के ऊपर रस्सियों की मदद से भले ये लोग आवाजाही कर रहे हों, लेकिन ये सफर कभी भी किसी की भी जिंदगी पर भारी पड़ सकता है। पहाड़ों पर जमीन खिसकने की वजह से कई रास्ते बंद हो गए हैं, जिन्हें खोलने के लिए प्रशासन की टीम लगातार काम कर रही है। ऐसी एक तस्वीर सामने आई है चमोली के जोशीमठ इलाके से। यहां पर नेशनल हाईवे पर सीमा सड़क संगठन यानी कि बीआरओ की टीम लगातार मलबा हटाने के काम में जुटी हुई है। इस दौरान हाईवे पर दोनों तरफ लंबा जाम लगा हुआ भी नजर आया। बीआरओ की टीम के मुताबिक बहुत जल्दी मलबा हटाकर नेशनल हाईवे को आने जाने के लिए खोल दिया जाएगा। वही महाराष्ट्र के कई जिलों में भी भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। रत्नागिरी के चिपलून में भारी बारिश के बाद सैकड़ों पर सैलाब नजर आया। चारों तरफ बाढ़ के पानी ने कब्जा जमा लिया। लोगों के घरों और दुकानों में पानी भर गया, जिसकी वजह से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। महाराष्ट्र के पुणे में भी भारी बारिश का कहर देखने को मिला है। पुणे में बोरघाट के पास मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर पानी भर गया है, जिसके चलते एक्सप्रेसवे पर गाड़ियां डूब कर जाती हुई नजर आई हैं। तो पुणे में भी भारी बारिश का कहर, मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर पानी भर गया। एक्सप्रेसवे पर गाड़ियां आप देख सकते हैं डूबती हुई नजर आ रही हैं, और इस दरिया भरे पानी में वाहन किस तरीके से रेंग रहे हैं, तस्वीरें आपके सामने महाराष्ट्र के पुणे की। महाराष्ट्र के बाद आपको लिए चलते हैं मध्य प्रदेश, जहां पर बारिश के कारण जगह जगह बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई है। लेकिन उज्जैन में अभी बारिश शुरू नहीं हुई। इंदौर और आसपास के इलाकों में हुई बारिश की वजह से क्षिप्रा नदी का जलस्तर बढ़ गया, जिसके कारण नदी के किनारे खड़ी गाड़ियां डूब गई, जिन्हें कड़ी मशक्कत से निकाला गया। तो क्षिप्रा नदी का जलस्तर बढ़ने से इलाके जो आसपास के हैं वहां पर देखिए किस तरीके से हाल बेहाल हो चुका है। उज्जैन में बारिश नहीं हुई है, लेकिन क्षिप्रा नदी का जलस्तर बढ़ने से वहां पर पानी आ गया।